अयोध्या जनपद के थाना कुमारगंज क्षेत्र में एक विवाहिता ने अपने घर के अंदर कड़ी में साड़ी के सहारे लटक कर आत्महत्या कर ली। इस घटना की जानकारी सुबह मृतका की नंद सीमा को हुई। जब वह सुबह सोकर उठी तो देखा कि उसकी भाभी निर्मला साड़ी के सहारे फांसी लगाकर झूल रही है। सीमा रोते बिलखते अपने दूसरे घर पहुँच कर अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजन किसी तरीके से साड़ी के फंदे से मृतका को नीचे उतार कर घटना की जानकारी ग्राम प्रधान को दी। मृतक विवाहिता की 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। दरअसल मामला कुमारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी देवगांव पालपुर तुलसमपुर गांव का है, जहां विवाहिता ने घर के अंदर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलने पर घटना स्थल पर पहुंची पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी मृतका के मायके के सदस्यों से लेते हुए शव का पंचायतनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्राधिकारी मिल्कीपुर राकेश श्रीवास्तव ने कहा, थाना कुमारगंज थाना क्षेत्र के ग्राम तुलसमपुर में विवाहिता महिला ने आत्महत्या कर ली है। मृतक विवाहिता का शव पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 28/9/2021 को थाना कुमारगंज पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम तुलसमपुर पालपुर में एक महिला उम्र 25 वर्ष ने अपने घर की कड़ी में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। जीवन ज्योत चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित वेलमेड हॉस्पिटल में हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अनुराग वाजपेयी, निदेशक आलोक वाजपेयी द्वारा शहर के प्रतिष्ठित पूर्व सैनिक मेजर प्रदीप सिंह का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। स्वागत सम्मान कार्यक्रम में डॉक्टर अनुराग वाजपेयी, आलोक वाजपेयी और हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ, जिसमें डॉक्टर पी के सिंह, मैनेजर शुभम श्रीवास्तव, अनूप यादव, रमेश यादव, डॉक्टर मनीष सिंह, डॉक्टर कोयल शर्मा द्वारा माला पहनाकर मेजर प्रदीप सिंह को राम दरबार चित्र देते हुए उनका भव्य स्वागत सम्मान किया गया। डॉक्टर अनुराग वाजपेयी ने कहा, मेजर प्रदीप सिंह द्वारा असहाय एवं निर्बल व्यक्तियों की सहायता एवं क्षेत्र की जनता की सेवा में इनका विशेष योगदान रहता है। उनकी इसी संकल्प शक्ति को उत्साहित करना हमारी मुख्य विचारधारा है, इसलिए संस्था व हॉस्पिटल ने इनका भव्य स्वागत एवं सम्मान किया। निदेशक आलोक वाजपेयी ने बताया, जीवन ज्योत ट्रस्ट द्वारा फ्री मेडिकल चेकअप, दवाइयों का निःशुल्क वितरण, असहाय व्यक्तियों को राशन, वस्त्र, कंबल और पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु पौधरोपण, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु जन जागरण अभियान हमेशा कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अवसर पर हॉस्पिटल के समस्त अधिकारी एवं स्टाफ मौजूद रहे। जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वेलमेड हॉस्पिटल श्रीराम एवं कालोनी देवकाली बाईपास में शहर के सम्मानीय प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रदीप कुमार सिंह जी का, जो कि पूर्व सैनिक रह चुके हैं और समाज में प्रतिष्ठित एवं गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करते रहते हैं, इसी नाते आज इनका सम्मान जो जीवन ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा वेलमेड हॉस्पिटल में किया गया, ताकि इन्हें और भी आगे प्रेरणा मिलती रहे और लोगों का मदद करते रहेंगे। इन्होंने अपने क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में कई लोगों की फ्री चिकित्सा प्रदान की। समय समय पर ये चिकित्सक शिविर लगाते रहते हैं और दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन फ्री में ये करते रहते हैं, और गरीबों को अनाज देना और मदद करना आर्थिक रूप से इनका ये प्राथमिकता रहती है। इतने ऊर्जावान व्यक्ति का हमें सम्मान की प्राप्ति करना हुआ, तो मैं ये चाहता हूँ कि निरंतर ये इसी प्रकार का काम करते रहें और गरीबों की मदद करते रहें। वेलमेड हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और मैं वादा करता हूँ क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जो भी गरीब दीन दुखी हैं उनकी सदैव मदद करता रहूँगा। मैं सेना से रिटायर होने के बाद अपने क्षेत्र में पुष्पराज डिफेंस अकेडमी की स्थापना की। ग्रामीण क्षेत्र के गरीब और होनहार बच्चों जो कि वंचित रह जाते थे नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, उनको कोई देखता नहीं था,
उनके लिए मैंने उस संस्था को खोला, पुष्पराज वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मैं उसको चलाता हूँ। जो बच्चे असहाय फ्री ऑफ कास्ट, उनको ट्रेनिंग देता हूँ। अभी तक मैंने 152 बच्चों को विभिन्न संस्थाओं में ट्रेनिंग दे करके भर्ती हो चुके हैं, जो कि ट्रेनिंग कर रहे हैं। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस और 33 ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों जो ट्रेनिंग कर रही हैं या ट्रेनिंग के मेडिकल परीक्षण के लिए वो हैं जाने वाली हैं। फिजिकल अपना उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। इसी तरीके से मैं क्षेत्र में कई कार्य हैं हमारे जो मैं करता रहता हूँ समय समय पे। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, चिकित्सा का शिविर लगवाना, ग्रामीणों के कार्ड बनवाने, हेल्थ कार्ड बनवाना, अभी जैसे उज्ज्वला योजना के तहत बहुत चीज़ें सरकार की जो स्कीमें आती हैं, अनपढ़ और बुजुर्ग लोगों को पता ही नहीं चलता है कि सरकार क्या योजनाएँ हैं, उन लोगों को उस चीज़ को दिलाना, कैंप लगवा करके हर चीज़। जैसे टीकाकरण था अभी कोविड का, 100% मेरा गांव जो है टीकाकरण हो चुका है, मैं करवा चुका हूँ, 3 बार कैंप लगवाया, जो थे सबको टीकाकरण करवा दिया। और डॉक्टर साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने मेरे उत्साहवर्धन के लिए ये चीज़ किया और आगे भी ये करते रहेंगे। क्या नाम आपका? मेरा रिटायर्ड सुधार मेजर प्रदीप कुमार से। अयोध्या जनपद के थाना पूरा तंदर के गांव चांदपुर हरबंश की रहने वाली महिला ने अपने चाचा व उनके पुत्रों पर पैतृक मकान को हड़पने का गंभीर आरोप लगाया। इस मामले को लेकर उन्होंने एसएसपी से मुलाकात करके अपनी शिकायत पत्र दिया। पीड़िता का कहना है उनके पिता की मौत हो चुकी है, जिसके बाद पिता की सारी संपत्ति उनके नाम पर वरासत के तौर पर दर्ज है। उनके पिता के द्वारा बनाए गए मकान को उनके चाचा तथा उसका पुत्र हड़पना चाहता है, जिसके चलते आधार कार्ड में नाम संशोधित करके उसके पिता का नाम डाल दिया गया है। इसके साथ ही 8 की मार्कशीट बनवा ली है। वहीं बताया कि हम लोगों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में जांच करके उन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। हमारे चाचा जी हमारी जमीन जबरियन को मतलब काबिज कर रखे हैं, खाली करने के लिए मारने पीटने की धमकी देते हैं, कहते हैं कि हमको तुम लोग को नहीं दिए हैं, हमको रहते नहीं दिए, आप रहने लगे हैं। और आधार कार्ड फर्जी बनवा रखे हैं उनके लड़के, वो फर्जी सबको दिखाते हैं कि इनके सामने उनके सामने हमको देकर गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ज़मीन हम सब लोग के नाम है, हमारे चाचा जी ज़बरदस्ती मतलब उसमें काबिज हैं और रहने नहीं देते हम लोग को, जबकि हम उन पास नाथ थे हमारे पिताजी, उनके दो लड़कियां हैं सरोज यादव संगीता यादव। अब क्या चाहती हैं आप? हमें मतलब हमारी ज़मीन दिलाएं, हमको न्याय दिलाएं, जो मारने पीटने की धमकी देते हैं उससे मुक्ति कराएं। अभी आप किससे मिलने आई थी? एसएसपी साहब। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसएसपी साहब हम लोग से पूछ न्याय के लिए। अरे देने आए हैं, इससे पहले हम थाने पर दे चुके हैं 4-5 दिन पहले। और ये जो है मेरे ससुराल का मामला है, मेरे ससुर जी डायलिसिस बीमारी से पीड़ित थी, तो बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो गई है। उसके बाद मृत्यु के बाद मेरे चचेरे ससुर जी के लड़के राजदेव सनाबराम अमिलाग, जो कि हमारे ससुर जी के नाम पारसनाथ के नाम फर्जी आधार कार्ड व मार्कशीट बनवा करके धन हड़पने के चक्कर में हमको प्रताड़ित कर रहे हैं और मारने पीटने की धमकी देते हैं, रास्ते में मिलकर गाली गलौज करते हैं। और जबरियन जो झुंझुनवाला स्थित रोड पर स्थित मकान है, वो उसको जबरियन कब्जा करना चाहते हैं। अतः श्रीमान जी से निवेदन यही है कि मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें, और हम लोगों के जान खतरे में है, जो कि बार बार वो धमकी देते हैं तुम्हें मार देंगे, उससे हम लोगों को बचाया जाए। मेरे ससुर जो फर्जी का आधार कार्ड बनवा रखे हैं, जो मेरे ओरिजिनल ससुर हैं, उनके दो पुत्रियां ही हैं, बड़ी पुत्री का नाम सरोज यादव और छोटी पुत्री का नाम संगीता यादव, हम दोनों उनके जो हैं हस्बैंड। चाहते क्या आपका? हम दोनों यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले और हमको काबिज कराया जाए, और ये जान से जो हमारे जान को खतरा है
इससे हमको बचाया जाए और जो ये फर्जी आदमी कानपुर की कृपाल सिंह एंड कंपनी द्वारा सिविल लाइन स्थित साने अवध होटल में 3 दिवसीय एग्जीबिशन का आयोजन किया गया जो 28, 29, 30 सितंबर को आयोजित होगा। इस 3 दिवसीय एग्जीबिशन में कंपनी द्वारा निर्मित अपने नए प्रोडक्ट जिसमें साड़ी, लहंगा, हैंडवर्क, साड़ियां, सूटिंग शर्टिंग, लेडीज सूट की विशाल रेंज दिखाई गई है। कंपनी के मैनेजर पुनीत सिंह ने कहा, इस एग्जीबिशन का मुख्य उद्देश्य ग्राहकों को कंपनी से जोड़ना है और अपने नए उत्पाद को जनता के बीच लाना है। उन्होंने ये भी कहा, कोविड काल में ग्राहकों से जो दूरियां बन गई थी उसको दूर करते हुए उनको अपने साथ जोड़ना और नए प्रोडक्टों के बारे में उनको क्वालिटी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना, यही मेरा उद्देश्य है। इस एग्जीबिशन में आकर व्यापारी कंपनी और उससे प्रोडक्टों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय हमने यहाँ पर अपने जो नए व्यापारियों से नहीं जुड़ पा रहे थे कोरोना काल में, लगभग 60-70 100 किलोमीटर के इलाके के, हमने उनको बुला करके एक तरीके से उनको अपने से इंटरेक्शन और अपने नए डिस्प्ले ऑफ प्रोडक्ट्स जो नए हमने इधर किए उन सबसे अवगत कराया। तो इससे हमें ये उम्मीद है कि आगे आने वाले शादी ब्याह के टाइम में हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हो, हमें मेन कस्टमर इंटरेक्शन हो जाए और नए प्रोडक्ट। कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं सर? लगभग 100 किलोमीटर के एरिए में। कई दिन एग्जीबिशन रहेगा सर? 3 दिन के एग्जीबिशन में, क्योंकि ये कोरोना का टाइम है, हमने 3 टुकड़ों में कर दिया। हमने 70 से 80 लोग पहले, 70 से 80 लोग दूसरे दिन, 70 से 80 लोग तीसरे दिन का हमने छोटा सा एक ग्रुप। जैसे कि शादी विवाह का समय आने वाला है, तो नए लोगों से क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये बोलूँगा कि एक टफ टाइम पीछे निकला है और हम ये चाहेंगे कि अब एक समय है कि सेफ्टी के साथ और डिस्टेंस मेंटेनिंग करते हुए शादी को एक अच्छा माहौल दें, क्योंकि काफ़ी एक लंबा गैप हो चुका है कि बहुत पुराने पुराने रिश्तेदार भी एक दूसरे से मिल नहीं पाए। तो अब एक बार माहौल बिल्कुल उत्साहित रखें और इसमें आगे प्रोग्रेस करें सेफ्टी के साथ। क्या नाम है आप जी? मेरा नाम पुनीत है। कंपनी क्या है आप जी? कृपाल सिंह एंड कंपनी। आप क्या है कंपनी में? कंपनी में जैसे आप कह सकते हैं पूरा मार्केटिंग डिवीजन और सेल्स डिवीजन का हेड। अयोध्या नगर निगम के अंतर्गत आने वाले जनौरा वार्ड स्थित गिरजा कुंड से लेकर पूरे क्षेत्र में जल भराव की समस्या से लोगों का जीना दूभर हो गया है। ऐसे में नगर निगम की पोल इस जल भराव ने खोल रखी है। अभी तक नगर निगम ने जल निकासी का अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आइए देखते हैं साकेत न्यूज चैनल संवाददाता सुबोध श्रीवास्तव के साथ स्थानीय लोगों की खास बातचीत, देखिए इस रिपोर्ट में। आज हम आपको रूबरू कराएंगे इस जल समस्या से, जो आज प्रदेश पूरा जनपद अयोध्या का जनपद है ये, और राम की नगरी है जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया था। ऐसे में ये जनौरा वार्ड है और जहाँ पर ये गिरजा कुंड स्थापित है। अब मैं बताऊंगा ये गिरजा कुंड देखिए किस तरह से नदी में तब्दील हो गया है। भाई ये नदी नहीं है, ये है जल भराव। यानी ये जो जल भरा हुआ है, विगत एक हफ्ता पहले जो 3 दिन की भारी बरसात हुई है उससे ये जल नहीं भरा है। इसके पहले भी जो है 1 महीने से लगभग यहाँ पर पानी भरा हुआ है। ऐसे में नगर निगम के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, यानी यहाँ के अलाधिकारी, नगर निगम के आप यहाँ के पार्षद, सभी विधायक, सांसद, यानी इस पर विशेष ध्यान क्यों दे रहे हैं? मैं सबको इसमें जो है कहूंगा कि इसमें ध्यान क्यों दे। आखिर ये जो गिरजा कुंड है कभी ऐतिहासिक हुआ करता था और इसकी साफ सफाई पर लाखों करोड़ रुपए खर्च होते थे। ऐसे में आज राम की नगरी में ये अपने को आंसू बहा रहा है। आखिर सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? आखिर नगर निगम जब बन गया है और नगर निगम में तब्दील भी हो गया है, ऐसे में जब राम के मंदिर का निर्माण भी चालू है और राम की नगरी में तमाम भाजपा के यहाँ पर तमाम मंत्री भी आ रहे हैं, और आपको बता दें 27 नहीं 30 बार यहाँ पर योगी जी आ चुके हैं, पर ऐसे में जो है यहाँ पर जो जल समस्या है अभी तक निजात नहीं मिली है। आइए बात करते हैं, यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग खड़े हुए हैं, मैं को बताऊँ कि पानी कब से भरा हुआ है, क्या प्रॉब्लम होता है आप? ये करीब 1 हफ्ते से पानी भरा हुआ है, पूरा जल भराव, और ये मान के चलिए कि हर बरसात में कोई तो नहीं
सूचना नहीं है। मेरे सबके घर में पानी हला भाई निकलना। अब तो ये नगर निगम में है और नगर निगम तो मानिए नाला साफ करा ना कुछ। मुख्यमंत्री योगी जी पैसा भी दे रहे हैं तो ये लोग क्यों नहीं सारा नाला सारा सब कुछ तैयार कर रहे हैं? ये तो सब नगर निगम का ही मामला है। देखिए अभी आपने सुना यहाँ के स्थानीय लोग थे और उन्होंने बताया। अब एक लोग और खड़े हुए, मैं समझाता हूँ कि ये जो जल भराव समस्या है क्या ये 3 की बरसात का इसके पहले भी था? नहीं नहीं, ये तो परमानेंट होता है, बारिश के मौसम में हमेशा रहता है ऐसा। तो नगर निगम में तब्दील हो गया है और ऐसे में जो गिरजाकुंड है और नदी में तब्दील हो गया, तो इसका अस्तित्व ही मिट चुका है, इसमें लगा नाम है चुका है। अब इसका अस्तित्व रह ही नहीं चुका है क्योंकि जब ऐसे बरसात के मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम की बात हो तो बात अलग हो जाता है, लेकिन हर बारिश में एक समस्या जिस तरह से यहाँ के पार्षद या महापौर या यहाँ के जनप्रतिनिधि यानी विधायक कभी यहाँ पर आए नहीं आए? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं आए। जो जल भराव समस्या है इससे निजात अभी तक आपको नहीं मिली है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? अब यही कहना चाहते हैं कि जल भराव हट जाए, यही कहना चाहते हैं, इसके अलावा हम क्या कहना चाहते हैं? अच्छा ऐसे में आपको याद है एक लोग और खड़े हुए हैं और देखिए अभी काफी पुराने हो चुके हैं और यहाँ पर लग रहा है काफी दिनों से रह रहे हैं। भराव समस्या है क्या ये 3 की बरसात का इसके पहले भी था? नहीं नहीं, ये तो परमानेंट होता है, बारिश के मौसम में हमेशा रहता है ऐसा। तो नगर निगम में तब्दील हो गया है और ऐसे में जो गिरजाकुंड है और नदी में तब्दील हो गया, तो इसका अस्तित्व ही मिट चुका है, इसमें लगा नाम है चुका है। अब इसका अस्तित्व रह ही नहीं चुका है क्योंकि जब ऐसे बरसात के मौसम की बात करें तो बरसात के मौसम की बात हो तो बात अलग हो जाता है, लेकिन हर बारिश में एक समस्या जिस तरह से यहाँ के पार्षद या महापौर या यहाँ के जनप्रतिनिधि यानी विधायक कभी यहाँ पर आए नहीं आए? नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं आए। जो जल भराव समस्या है इससे निजात अभी तक आपको नहीं मिली है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? अब यही कहना चाहते हैं कि जल भराव हट जाए, यही कहना चाहते हैं, इसके अलावा हम क्या कहना चाहते हैं? अच्छा ऐसे में आपको याद है एक लोग और खड़े हुए हैं और देखिए अभी काफी पुराने हो चुके हैं और यहाँ पर लग रहा है काफी दिनों से रह रहे हैं और इसी जनौरा में क्षेत्र में रहते हैं। आपको एक चीज बता दें, ये देखिए यहाँ पर जानवर तो जानवर और ये तो मान लीजिए जा रहा है और लेकिन पब्लिक भी जानवर तरीके से पानी में आ रहा है। और सोचिए इस ये जो जल समस्या है इसमें कितने कीटाणु होंगे, यानी सांप बिच्छू गोजर यहाँ पर होंगे और ऐसे में कोई नंगे पैचा अगर काट ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? आइए बात करते हैं लोग। अभी आप पानी को क्या कहना चाहिए? बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई, पानी को साफ होना चाहिए यहाँ से, थोड़ा सा पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी आपने सुना यहाँ पर राहगीर थे और अभी रोका और उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी दिक्कत। बेटा तुम स्कूल से आ रहे हो, कैसी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर? बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है स्कूल को लेकर, अगर बच्चे स्कूल सुबह जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है जनौरा और यहाँ अगर पानी भरा है तो समझ लीजिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। देखिए आपको बात है ये जो रोड है यहाँ पर कई उसमें जोड़ता है, ये मुख्य मार्ग जोड़ता है और ऐसे में शॉर्टकट घूमते हैं और यहाँ पर जो आपको जो लोग रहने वाले हैं यहाँ पर 1,000, 2,000, 5,000 मकान बने हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी पुराना क्षेत्र है और ऐसे में लोग नरकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और देखने बात होगी शासन प्रशासन या नगर निगम यहाँ पर किस तरह से पानी हटवाता है, तो अनिल अवस्थी बताएगा। मैं सुबोध श्रीवास्तव, साकेत जल अयोध्या। अयोध्या जनपद में भी कोविड-19 का पालन करते हुए हक और इंसाफ के लिए करबला में शहीद हुए इमाम हुसैन व उनके घर वालों व साथियों प्यासों का चहलुम मनाकर गम का इजहार किया। सिया समुदाय के लोगों ने उन्हें याद किया। जुलूस को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, साफ सफाई का खास ख्याल रखा गया। आपको बता दें यह जुलूस करीब 100 वर्षों से उठाया जा रहा है लेकिन 2 साल से महामारी के संकट को देखते हुए जुलूस नहीं उठ पाया और इस बार कोविड-19 का पालन करते हुए जिला प्रशासन के चहलुम मनाने की अनुमति दी। उसी के तहत राठ हवेली और इमामबाड़े में इमाम हुसैन के 72 साथियों का चहलुम बड़े ही गमगीन माहौल और अकीदत से मनाया गया। चहलुम के प्रोग्राम में इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए जंजीर और कमा का मातम किया गया। जगह जगह करबला के शहीदों की यादगार में प्यासों के नाम पानी की शबील लगाकर पिलाया गया। इसके अलावा चाय के स्टॉल खाने का भी इंतजाम किया गया। इस अवसर पर ताजिया दरान कमेटी के अध्यक्ष हसन इकबाल, अस्पाक हुसैन जिया, मीशम वसी, हैदर गुड्डू, मुनीर आब्दी के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। ये आज मकबरा बहू बेगम साहिबा के तत्वाधान में आज का ये कार्यक्रम जो चहलुम है 40वां, ये इमामबाड़ा जवाहर अली खां में
सरकार की गाइडलाइन और प्रशासन के द्वारा जो हम लोगों को बताया गया था उसी के कोविड की सारी गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग ने इमामबाड़े के अंदर आज प्रोग्राम किया है, जिसमें अंजुमनों ने शहर की 3 अंजुमनों ने नवाखानी की है, मजलिस हुई है, सब शहर के लोगों ने आके पुरसा दिया है। और उसके बाद जो हम लोगों को जिस तरीके से गाइडलाइन में बताया गया था कि 10-15 लोगों के साथ यहाँ से तबर्रुकात लेके हम लोग मकबरे पहुँचाएँगे, अभी कुछ ही देर में हम लोग यहाँ से तबर्रुकात लेके मकबरे पहुँचेंगे। लोगों का कोई भी जो गम की तारीख है वो पर नहीं होता, कि ये गम की तारीख है जिसको हम लोग अकीदत से अदा करते हैं। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुए हैं उसमें यहाँ पर सारे जो अरकान होते हैं, जंजीर का मातम और सीना जनी और नौहा खानी जो कुछ भी होती है, वो इमामबाड़े के अंदर हम लोगों ने अपनी सरहद के अंदर किया कोविड का पालन करते हुए। उसके बाद यहाँ से अब प्रतीकात्मक जो तय हुआ है हम लोगों के दरमियान, वो प्रतीकात्मक यहाँ पर से जो हमारे तबर्रुकात हैं वो यहाँ से उठकर 15 आदमियों के साथ मकबरे तक जाएंगे और रात में 7 बजे बड़ी दरगाह से वही प्रतीकात्मक तरीके से 10 आदमियों के साथ सिर्फ एक मातम करते हुए या हुसैन करते हुए लोग वहाँ से उठाकर सीधे सीधे इमामबाड़े तक आ जाएंगे। हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 लोगों के साथ जो शहीद किए गए थे, आज उनका 40वां है, जिसको आप लोग अपनी लैंग्वेज में तेरही कहते हैं, उसी तरह से हम लोगों का 40वां होता है। भारत की जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी द्वारा शहीद आजम भगत सिंह का 114वां जन्म दिवस मनाया गया। इस अवसर पर रोजगार दिवस के रूप में नगर निगम परिसर में श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। नगर सचिव कामरेड रामजीत तिवारी की अध्यक्षता व जनौश जिलाध्यक्ष के संचालन में संपन्न हुआ। जनौश प्रदेश महासचिव कामरेड सत्यवान सिंह जनवादी ने कहा कि साम्राज्यवाद के खिलाफ जंग का तेज करते हुए भगत सिंह ने कुर्बानी दी, आज सरकार क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है, उनके सपनों को पूरा नहीं कर रही है। आइए देखते हैं कामरेड सतभान सिंह ने साकेत न्यूज चैनल से क्या कहा। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म दिवस है, 114वां जन्म दिवस है, और उस वक्त में आज भारत की जनवादी नौजवान सभा रोजगार दो नारे के साथ पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज इनका जन्म दिवस मना रहा है। उसी कड़ी में अयोध्या के अंदर नगर निगम कार्यालय में भगत सिंह के पार्क पे हम लोग इकट्ठा होकर के अपने क्रांतिकारियों को, अपने पुरोधाओं को, अपने योद्धाओं को हम लोग याद कर रहे हैं, और उनके जो विचार था, उनका जो सपना था कि आज़ादी के बाद एक ऐसे भारत का निर्माण होगा जिसमें मानव द्वारा शोषण नहीं होगा, लेकिन आज़ादी के 75 साल के बाद जो हमारे देश के अंदर हालात है निश्चित तौर पर बहुत भयावह है, और क्रांतिकारियों का जो सपना था वो चकनाचूर होता जा रहा है, क्योंकि देश की सरकार क्रांतिकारियों का अपमान कर रही है। निश्चित तौर पर हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि सरकार के जो विचार थे, जो उनके सपने थे, उसको पूरा करिए, रोजगार के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दीजिए, देश के तमाम जो करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं उनके रोजगार के लिए व्यवस्था करिए, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है उसको बंद करिए, और ये भगत सिंह के पार्क है इसका सौंदर्यीकरण, भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा बननी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के कारण आज हमारा देश आज़ाद है, और जिसके वजह से हमारी सरकारें भी हैं, हमारा लोकतंत्र भी है, हमारी सारी व्यवस्था है। निश्चित तौर पर हम लोग को क्रांतिकारियों के प्रतिनिधियों पर चलने की जरूरत है। सिंह जनवादी प्रदेश महासचिव जनवादी नौजवान सभा। हम खेत मजदूर संगठन की तरफ से शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आए हैं, और अमर शहीद भगत सिंह को याद करते हुए तमाम अयोध्या जिले के नौजवानों को, प्रदेश के नौजवानों को अपील करता हूं कि भगत सिंह के प्रतिनिधियों पर चलते हुए तमाम क्रांतिकारी योजनाओं को लागू कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के खिलाफ रोजगार मुहैया कराने के लिए, निजीकरण को रोकने के लिए, देश में तमाम अराजकता जो फैल रही है उस अराजकताओं को बंद करवाने के लिए तमाम नौजवानों से अपील करता हूं कि वो एक साथ होकर, एकजुट होकर इस लड़ाई में सामने आए और भगत सिंह के पदचिन्हों पर चलते हुए देश के तमाम क्रांतिकारियों को आगे आना होगा। राजू दास शिक्षा मित्र उत्तान मंच जिला कार्यकारिणी की एक आवश्यक बैठक सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह एवं संचालन संगठन मंत्री घनश्याम वर्मा द्वारा किया गया। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जिले की कार्यकारिणियों को संबोधित करते हुए कहा,
5 दिवसीय महायज्ञ कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। जिला महिला मोर्चा अध्यक्ष आरती मौर्या ने कहा, यज्ञ कार्यक्रम अत्यंत विशाल होना चाहिए, जिसमें महिलाओं एवं बच्चों की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। जिला मीडिया प्रभारी सार्थक सोनी ने कहा, महायज्ञ कार्यक्रम सफल बनाने हेतु तन मन धन पूर्ण रूप से सहयोग करूंगा। जिला कोषाध्यक्ष ललिता सिंह ने कहा, यज्ञ कार्यक्रम में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जिला मंत्री आलोक बैश द्वारा भोजन की व्यवस्था का पूर्ण रूप से सहयोग करने के लिए आश्वासन दिया। जिला कार्यकारिणी महासचिव मान सिंह ने कहा, कार्यकारिणी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा। इस अवसर पर विकास सिंह जिलाध्यक्ष, आरती, घनश्याम वर्मा, मान सिंह, ललिता सिंह, आलोक बैश के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। आपका आज की बैठक का उद्देश्य यही है कि राजीव दास महाराज जी के नेतृत्व में शिक्षा मित्र उत्थान मंच का जो है गठन किया गया है। ये जो है शिक्षा मित्रों की सारी समस्याओं के निस्तारण के लिए बनाया गया है। क्या समस्या आ रही जो आपने उत्थान बना दिया है? टाइम से मानदेय नहीं मिल रहा, मानदेय बहुत कम मिल रहा है, काम हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है टीचरों से, और पैसे उतने हमको नहीं मिल रहे हैं। तो क्या ज्ञापन भी सौंपना है क्या आपको? नहीं, कार्य समिति गठन हो गया और सारे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हो गई है। 16 से लेकर 21 तक 5 दिवसीय महायज्ञ कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। कहाँ पर होगा ये? हनुमानगढ़ी अयोध्या। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया जाए। क्या यज्ञ करने से आपका समस्या हल हो जाएगा? हो जाएगा भाई। यज्ञ करने से क्या आपकी समस्या हल हो जाएगी? जी ने आश्वासन दिया है राजूदास जी ने, यज्ञ करने से समस्या हल हो जाएगी आपकी। हाँ, उसमें मुख्यमंत्री जी विभाग करेंगे और मतलब सारे मंत्री जो है आते जाते रहेंगे। जैसे अभी तक जितनी समस्याएं आपकी आई हैं शिक्षा मित्र की, और ऐसे में क्या आपने कोई ज्ञापन सौंपा नहीं सौंपा अभी तक? बहुत दिया गया यहाँ से लेकर दिल्ली तक। यानी अब आप थक हार के आप हवन पे उतारू हो गए? महाराज जी की शरण। एक ही मार्ग है आपका, हवन। हनुमानगढ़ी, यानी हवन से आप कल्याण हो जाएगा? अब होना चाहिए। क्या नाम आपका? विकास सिंह, जिलाध्यक्ष जो है राजू दास, शिक्षा मित्र। अट्ठाईस सितंबर को पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रजेश कुमार त्रिपाठी एवं मध्यांचल अध्यक्ष नीरज तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल के द्वारा संघ के प्रस्तावित आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में जन जागरण अभियान के अंतर्गत अयोध्या का दौरा किया गया। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी स्थानीय स्तर की समस्याओं को सुना और संघ के अग्रिम आंदोलन की रूपरेखा संघ सदस्यों के सम्मुख रखी। नीरज तिवारी के द्वारा अग्रिम आंदोलन में संघ सदस्यों के शत प्रतिशत भागीदारी की अपील की। इस अवसर पर विद्युत विभाग के तमाम पदाधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। आंदोलन पहले ही चल रहा था, लेकिन प्रबंधन के आश्वासन के कारण हमको आंदोलन स्थगित करना पड़ा, और कुछ कोरोना महामारी के कारण। लेकिन प्रबंधन लगातार तानाशाही रवैया अपना रहा है, जिसके कारण हमारे संपर्क को लेकर लगातार अनदेखी की जा रही है। इसलिए हम अपना चरणबद्ध 8 चरण का आंदोलन लगातार 11 तारीख से 29 नवंबर तक करने का हमने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा रखी है। प्रबंधन इस पर नहीं मानता तो हम अनावृत कार्य बहिष्कार की घोषणा करेंगे। हमारी मुख्य मांगे, हमारा जूनियर इंजीनियर के जस्ट नीचे का पद है, हमको 4200 ग्रेड पे की हमारी मांग है। उनका 4600 ग्रेड पे है, हमको उनके जस्ट नीचे का ग्रेड पे चाहिए जो 4200 है। हमारी पदनाम को लेकर मांग है, पेट्रोल भत्ते को लेकर मांग है। ऐसे ही हमारे संवर्ग की कम से कम 15-16 मांगे हैं, जिन पर कार्रवाई प्रबंधन को करनी चाहिए, जिसको करने में कोई नुकसान भी प्रबंधन का नहीं है, लेकिन लगातार हमारे संवर्ग के साथ अनदेखी की जा रही है, इसीलिए विवश होकर हमको आंदोलन करना पड़ रहा है। नीरज तिवारी, मध्यांचल अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ। राज्य विद्युत परिषद प्राविधिक कर्मचारी संघ से मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। ये जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, हर जिस काम में, हर जोन में हम लोग जा रहे हैं। जो भी हमारे आगामी आंदोलन 1 अक्टूबर से चालू होने वाला, जो आप बैनर पर देख रहे होंगे, मांग पत्र भी है और आंदोलन की रूपरेखा है, तो उस उद्देश्य के लेकर प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हम लोग दौड़ा कर रहे हैं। हमारे मध्यांचल अध्यक्ष श्री नीरज दुबे जी हैं, आप पूरे मध्यांचल के अध्यक्ष हैं। उद्देश्य हमारा है, जो सरकार इस वर्तमान में है, जो प्रबंधन है, जो चेयरमैन है, हमारी बातों को नहीं सुने, जो जेन्युइन मांगे हैं, उस बात को मनवाने हेतु 11 तारीख से हम लोग आंदोलन प्रदेश व्यापी छोड़ा है। उसी पे प्रचार प्रसार के लिए हम निकले हुए, हम पूरे प्रदेश में करेंगे। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आंदोलन 11 तारीख को शुरू हो रहा है,
जो 29 नवंबर तक जा रहा है। ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, केंद्रीय अध्यक्ष, राज्य विद्युत परिषद, प्रावधिक कर्मचारी संघ।